हुण लोकां दा अगे फतवा की मिलेगा क्योंकि एक दिन महज बच गया अज शामी प्रचार बंद हो जाएगा महज एक दिन बच गया है और एक दिन दे विच बीजेपी अपनी अजिही केड़ी छाप छड़दी है या अपने अजिहा केड़ा जां कोई काम करदी है जिन्हां की लोकां नूं प्रभावित किया जाए यह बहुत अहम रहेगा देखना क्योंकि महज एक दिन का समय बच गया है एक मई नूं जिहड़ियां हन ओह वोटां पैण जा रहियां हन पर हले तक जिहड़ा है विरोध किते भी टलदा नजर नहीं आ रहा जी बिल्कुल विरोध जिहड़ा है टलदा नजर नहीं आ रहा और 1 जून नूं वोटां और 4 जून नूं नतीजा आएगा उदों ही साफ होएगा जदों पिटारा खुले कि किसे हक च जनता फतवा देंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी तौर तो अगे असी अपडेट और तस्वीर दिखावांगे जदों प्रधानमंत्री इत्थे पहुंचणगे। बहरहाल इत्थे माहौल पर जरूर गरमाया होया है। गल करदे अगली खबर दी तां प्रधानमंत्री दी कन्याकुमारी फेरी नूं लैके इस वेले सियासत बड़ी पक्की होई है ते विरोधी इस नूं लैके निशाना साध रहे ने। चोण कमिशन कोल बकायदा शिकायत करन दी गल वी कही जा रही है। सो प्रधानमंत्री दी कन्याकुमारी फेरी नूं लैके किस कदर सियासत पक्की होई है क्योंकि विरोधी इस नूं लैके निशाना साध रहे ने। विरोधी धिरां ने चोण कमिशन दे कोल इस बाबत शिकायत जिहड़ी है ओह कीती है। कांग्रेसी आगू अभिषेक मनु सिंघवी ने इस नूं चोण जाबते दी उलंघना दस्सिया। उन्हें कहा कि मेडिटेशन नहीं है एक तरह का चोण प्रचार का तरीका है जिसनों लैके उन्होंने अपना इतराज भी जाहिर किया है। चोण कमिशन के कोल शिकायत कराई है। मेडिटेशन का न्यूज चैनल से सीधा प्रसारण किया जाएगा जो अपने आप दे चोण जाबते की उलंघना है। चोण कमिशन प्रधानमंत्री की मेडिटेशन की लाइव कवरेज रोकण की गुहार विरोधियों वालों लगाई गई है। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में 55 करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। फिलहाल एक छोटी ब्रेक लेते रुकने का वक्त है, तुसी बने रहो पीटीसी न्यूज़ के साथ।